कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में भाषण दिया जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। इस बीच राहुल गांधी विवादों में घिर गए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने लोकसभा से निकलते हुए बीजेपी सांसदों को फ्लाइंग किस दिया। अब स्मृति ईरानी के इस आरोप के बाद विवाद शुरू हो गया है। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन हु कैन गिव अ फ्लाइंग किस टू अ पार्लियामेंट विथ सीट्स फीमेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण है, ये आज सदन में देश को पता चले। लेकिन कहां गए? कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने स्मृति ईरानी पर हमला बोला है। आराधना मिश्रा ने उनके आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि उनको ये तो दिख गया यहाँ महिलाओं की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह उठ गया, लेकिन जब मणिपुर में दो लड़कियों का यौन उत्पीड़न हुआ तो स्मृति ईरानी इस पर कुछ नहीं बोला। क्या वो शर्मसार करने वाली घटना नहीं थी? इस छटपटाहट को आपके पास कोई जवाब नहीं है, तो आपके पास जब कोई जवाब नहीं है तो आप इसी तरह की बातें करेंगे और सवाल खड़ा करेंगे। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनको ये तो दिखाई दे गया यहाँ पे महिलाओं की अस्मिता पर सवाल प्रश्न चिन्ह उठ गया, पर जब मणिपुर में इस देश की दो बेटियों को निर्वस्त्र किया गया, उनके मान सम्मान के साथ जिस तरह का खिलवाड़ किया गया, वो देश का नहीं पूरे दुनिया में इससे विभत्स घटना नहीं हो सकती थी, तब क्यों नहीं स्मृति ईरानी जी बोली? क्या वो शर्मसार करने वाली घटना नहीं थी? बीजेपी के महिला सांसदों ने मांग की है कि राहुल गांधी के ऐसे अभद्र आचरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जिन्होंने न केवल सदन में एक महिला सदस्य को अपमानित किया बल्कि इस सदन की गरिमा को भी कम किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।